अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बर्ड्स चैनल। अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन लोगों ने भी पैरट्स रखे हुए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है उन लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक एग से बच्चा निकल आया था, तकरीबन आज ये 3 दिन का हो गया। लेकिन जो दूसरा एग है उसके अंदर बच्चा जो है वो कल बोल रहा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस अंडे के अंदर से जो है वो बच्चे के बोलने की आवाज़ जो है ना वो कम हो गई और आना बंद हो गई। तो मैंने कहा कि मैं ना इस अंडे को बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ कि बच्चा जो है वो ज़िंदा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये देखें कि आपके जो बर्ड्स हैं उनके अंडों के अंदर जो बच्चे हैं वो बन चुके हैं और उनके 21 दिन पूरे हो रहे हैं, तो अगर जो है वो टाइमली कोई भी अंडा जो है वो ब्रेकअप नहीं हो रहा और उसमें से बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो आप लाजमी जो है वो उस अंडे को थोड़ा सा जो है ना वो डोली निकाल लें बाहर और उसको तोड़ के उसमें से जो बच्चा है वो बाहर निकाल लें और बच्चा जो है वो बच सकता है। अब चूँकि मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं रात का टाइम था, मैंने चेक किया कि बच्चा जो है ना वो बोल रहा है अंडे के अंदर, लेकिन मैंने ना इसको बाहर नहीं निकाला। और जिस तरह ये अभी मैं थोड़ा थोड़ा अंडा जो है ना वो इसका उतार रहा हूँ छिलका, तो इसमें से ये बच्चा निकल आना था और बच जाना था ये बच्चा, लेकिन मुझसे ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली इस पर कि इस टॉपिक पे भी वीडियो होनी चाहिए, ताकि जो शौकीन हैं बर्ड्स के, इनके जो बच्चे हैं उनको किस तरह आप जो है वो बचा सकते हैं। तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो है वो एहतियात इंसान को अपनी तरफ से करनी चाहिए। अगर टाइमली इस अंडे को ब्रेकअप किया जाता और बच्चा बाहर आ जाता और इसकी मदर इसको फीड करवा देती तो ये बच्चा बच सकता था। तो इसीलिए इसी टॉपिक को मैंने लेके इस वीडियो को बनाना शुरू किया। इंशाल्लाह जो है वो आपके घर में जब भी पैरट्स इस तरह बच्चे दें और इनके बच्चे डेड इन शेल अंडे में हो रहे हों, तो उसको लाजमी आपने ब्रेक करके तो बच्चे को बाहर निकाल लेना है। अब ये चूँकि बच्चा जो है वो फोत हो चुका है और दूसरे जो अंडे हैं उनमें से भी मैं अभी चेक करूंगा कि इनके अंदर जो है वो बच्चे मौजूद है या नहीं मौजूद। तो इसलिए आप सब दोस्त जो है वो अपने बर्ड्स का ख़ास ख्याल रखा करें। जब भी उनमें से बच्चों की आवाज़ें आ रही हों तो उन दिनों में ख़ास तौर पे जो खाने पिलाने वाली चीज़ें हैं वो लाजमी उन पर एहतियात करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जब बच्चे निकल आएँ तो एक तो आपने जो अंडे की जर्दी है उसको बिल्कुल छोटा छोटा करके वो रखना है, और दूसरी जो चीज़ है वो है रस या ब्रेड। तो ब्रेड और रस जो है वो छोटे छोटे पीस करके आपने केजीज़ में रखने हैं, ताकि जो है वो ये पोट जो है इनके अंदर हल्की खुराक मौजूद हो। अभी ये जो पहले दिन का बच्चा था उसको मैंने निकाला हुआ है कुछ से बाहर, ये माशाल्लाह हेल्दी है, एक्टिव है, इसके पोट के अंदर आपको दाना भी नज़र आ रहा होगा। तो इन चीज़ों की अगर हमने हिफाजत करनी है, केयर करनी है, तो इनको हाथ में पकड़ने से डरना नहीं है, आप लोगों ने इनके बच्चों से डरना नहीं है, और आप जो है वो इनके साथ मानूस रहें, इनको हाथ में पकड़ के इनको बिठाएं। बल्कि हैंड टेम जो लोग करते हैं ना बच्चों को, वो इसी तरह के बच्चे जो हैं वो उठा लेते हैं इनके माँ बाप से, और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, रिंग नेक पैरट्स, इनके बच्चों को हैंड फीड करवा के तो इनको फिर हैंड टेम किया जाता है। ये माशाल्लाह ज़िंदा है, अब ये इसका भाई है, ये बेचारा फोत हो चुका है, और कुछी के अंदर मज़ीद अंडे भी अभी मौजूद हैं जो कि फर्टाइल हैं। अंडे की फर्टाइलिटी चेक करने के लिए आपने जो है वो अंडे को कुछी में से बाहर निकाल लेना है, और उनमें से जो मोबाइल की लाइट है इसके ऊपर जब आप अंडा रखते हैं तो उसके अंदर वाजिया जो इनकी रगें हैं वो हरकत कर रही होती हैं, और उससे पता चल जाता है कि ये जो अंडे हैं ये फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं। अभी जो कुजी के अंदर आपको 3 अंडे नज़र आ रहे हैं ना, इसमें से जो एक अंडा है वो मैंने अभी चेक कर लिया है, तो उसमें से एक बच्चा मौजूद है जो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में निकल आएगा। उसकी वीडियो मैं शॉर्ट के अंदर जो है ना इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आज ही सुबह मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो के अंदर दोनों भाइयों की जो है वो वीडियो लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आपको कुछ सीखने को मिला, जिन लोग भाइयों ने खसूसी तौर पे पैरट्स रखे हुए हैं, तो मेरे तमाम ब्रदर्स एंड सिस्टर जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि मेरे नई वीडियो के ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।